शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता महोदय। किंतु आप अपराधी चोर कह रहे, लगभग 40 लाख की संख्या में, 40 लाख अगर हम 5 से तुलना भी कर ले लोगों का, तो कितने करोड़ों में संख्या हो जाती है लोगों का। उनका परिवार भूखे मर रहा है, बिना काम के मर रहा है, अपने पिता का, बेटा का, पति का इंतजार में कि आएगा तो कुछ मिलेगा। ये बिहार के लोग, और वो भी अपनी सरकार कह रही है कि चोर हो, अपराधी हो, गुंडे हो, तो ये परिस्थिति किसने पैदा की, किसने पैदा की? किसलिए होता है सरकार, किसलिए होता है नेता, किसलिए होता है मंत्री, किसलिए होता है अधिकारी? हम सब सेवक और हम लोग भाग रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, उसी महान जनता को चोर बोल रहे हैं आप लोग, जिसने आप लोगों को चुन करके यहां भेजा। शर्म नहीं आई आप लोगों को? सरकार को शर्म नहीं आई? लज्जा नहीं आई? माफी तक नहीं मांगा गया महोदय? माफी मांगने से क्या होता है? जिसका रीढ़ का हड्डी होता वही ना माफी मांगता है, और जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता वो तो रेंगता है। कम से कम माफी तो मांग ले। कोई भी लोग सामने नहीं आकर के कोई माफी नहीं मांगा। आगे सुनिए, इस विधि व्यवस्था की स्थिति का इराका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए, ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। कौन सी आवश्यकता? लाठी मारने की आवश्यकता। एक तो चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ला नहीं रहे हो, लोग मर रहा है, भूखे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो, और कहते हो कि चोरी करेगा। स्थिति कौन उत्पन्न किया? और ऊपर से कितना बढ़ गया करे, कितना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या है आपका स्पष्ट बताओ ना भाई। हम लोग तो जानना चाहते हैं, और आप लाठी पिटवा रहे हैं। बेचारा ठेला वाला पे लाठी, उस पे लाठी, जो मजदूर आया उस पे लाठी, और क्या व्यवस्था थी भाई? सबने वीडियो देखा होगा, दिल पे हाथ रख के कहिए, जो सरकार में सत्ताधारी विधायक लोग हैं, गांव में लोग घुसने देता था, बोलने देता था, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए थोड़ा सोचिए। इसलिए महोदय, क्या क्या वीडियो हम लोगों ने नहीं देखा? ना बस है, ना बस में सोशल डिस्टेंसिंग, ना पहुंचाना, ना क्वारंटाइन कराना, और क्या कहा गया था? पैसा देंगे, पैसा देंगे, क्वारंटाइन करो। ट्रेन का पैसा नहीं दिया, ट्रेन का पैसा नहीं मिला, क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे। और हम लोगों की मांग थी प्रत्येक खाते में 10-10 हजार रुपए लोगों को दो, रोजगार दो। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, बिहार सरकार का आंकड़ा है, लगभग 40 लाख का मजदूर है जो बिहार आया है, और यही सरकार पीठ थपथपा रही, आंख खुल ना जा, पलायन रोकते हैं। कहां पलायन रुका आपके 15 साल में भाई? कहां पलायन रुका? जाके किस हिसाब से वोट मांगिएगा? इसलिए ठीक है भाई, लोग बातों के बल पे अफवाह फैला करके लोगों को इधर से उधर करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन ये सही नहीं। इसलिए सही नहीं क्योंकि वाकई में जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा है वो आज सड़क पर भूखे, नंगे, पूछने वाला नहीं, बाहर से लोग मर रहे, घर बार छिन गया, मवेशी छिन गए, सब कुछ छिन गया। जरा सोचिए, इंसानियत के नाते सरकार को क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं आना चाहिए, जाकर के मुआयना नहीं करना चाहिए? जब मुख्यमंत्री निकलते तो किसी को हिम्मत है कि रूट लगता है रोड पे कोई और गाड़ी आ जाए? वैसी व्यवस्था बना के निकलिए, जाइए। हम जब 90 दिन चिल्लाए कि बोले कि 100 दिन हो जाएगा तो हम ढिंढोरा पिटवाएंगे, तो मधुबनी गए दिखावे के लिए, वो भी जो है पूरा पर्दा लगवा करके चले गए, अपना ही विकास पे शर्मा गए। क्या था पर्दे के पीछे, क्या था पर्दे के पीछे, जानना चाहते बिहार की जनता, जानना चाहती। 15 साल तक मौका दिया, किसलिए मौका दिया, क्या काम किया आंकड़ा बताइए। और हम चाहते हैं महोदय कि कोरोना लड़ाई से लड़ने से पहले बिहार की इनकी 15 साल की स्थिति को जानिए, अस्पतालों का, चिकित्सा का क्या व्यवस्था है, पता होना चाहिए माननीय सदस्यों को।
और इस सदन के माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं, हम जो आंकड़ा जो रखना चाहते हैं महोदय, ये आंकड़ा एनएचआरएम का है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है, ये आंकड़ा यूनिसेफ का है, तो मेरा नहीं, नीति आयोग का। थोड़ा सुनिए, 2005 में अपना स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिए, बहुत तारीफ कर रहे थे, इतना बजट हो गया, यहाँ खर्च करेंगे, पैसा ले रहे हैं, सुनिए जरा। 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, आज 15 साल में महज 49 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं, मतलब प्रति वर्ष 3 केंद्र की स्थापना की गई है, पिछले 2 साल में कोई भी नई स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं की गई। 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्र SPHCS की कुल संख्या 12,086 थी, जो कि 2019 में घटकर के 11,958 हो गई है। मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर 38,000 में से 38 है भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 5 साल में कम उम्र के बच्चों में स्टनिंग और अंडरवेट की प्रतिशत 42% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा और खराब है। 0 से लेकर 4 जो वर्ष के जो बच्चे हैं ग्रुप है, उसमें 40% से अधिक बच्चों का खून में आयरन की कमी है। पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत बिहार में है, कि हम नहीं कह रहे, बिहार में नीति आयोग कह रहा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक हेल्थ सेंटर पर 1000 पॉपुलेशन आबादी स्वास्थ्य केंद्र पर बिहार आखिरी पैदान पर है डॉक्टर मरीज अनुपात में, यानी बिहार को जो मानक है 1000 पे एक डॉक्टर चाहिए, बिहार का कितना पता है? 3207 लोगों पर एक डॉक्टर, अरे 1000 पे होना चाहिए। ये शहर का है, सेम नहीं, वेरी वेरी सेम, ये शहर का। ग्रामीण इलाकों की तो और भी स्थिति बेकार है, एक डॉक्टर कितना लोग पर 17,685 लोगों पर एक डॉक्टर, ये व्यवस्था है आपकी। महोदय, फार्मासिस्ट जो पद है फार्मासिस्ट का, वो 2049 रिक्वायरमेंट है, वैकेंट जो है 1762 है, और 86% वैकेंटे है, खाली है पद। सुन ली, स्पेशलिस्ट एट CHC 600 रिक्वायरमेंट है तो 518 खाली है, 86.3 वैकेंट है खाली। रेडियोग्राफर 150 रिक्वायरमेंट है तो 149 मात्र, एक खाली रेडियोग्राफर, यानी 99.3 खाली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2049 रिक्वायरमेंट और खाली है 1438, यानी 70.1% खाली है। नर्सिंग स्टाफ 2949 यानी 1300 रिक्वायरमेंट है आपका 2949, और खाली पद है 1319 यानी 44.7% जो है खाली। ये व्यवस्था है आपकी, यही ला विकास पुरुष, इसलिए। और वो तो तब जब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में यहाँ वहां यहाँ, विशेष पैकेज, डबल इंजन, यही ना। आप सुनिए, सुनिए ना, हम मेरा नहीं ना है, आप ही लोगों का नीति आयोग है ना भाई, सुनिए सुनिए, कोई नहीं डिस्टर्ब, हम तो आंकड़ा पे बोला, हम अपनी बात नहीं बोल रहे। NHRM द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड में पिछले 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, NHRM का रिपोर्ट है महोदय। क्या रिपोर्ट है कि 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाए, आधा भी खर्च नहीं, और कर्ज लेने की बात करते हैं, कर्ज लेंगे क्या बात। कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है, ये तो प्रधानमंत्री जी का स्पेशल है इसकी, हाँ, इसमें बिहार जो है सबसे पीछे रहा आयुष्मान भारत में,
सबसे खराब प्रदर्शन यानी भारत सरकार कह रही है सबसे खराब प्रदर्शन। सुनिए आगे, बिहार का रहा है जिसके वजह से केंद्र सरकार ने एक भी पैसा इस साल आवंटित नहीं किया है, 2019 का रिपोर्ट। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है बिहार सरकार को ये कह के कि भाई सबसे खराब प्रदर्शन है, पैसे नहीं खर्च करते हो तो हम क्या दे तुमको पैसा। यह है रिपोर्ट। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में ही है, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती सबसे अधिक मरीज बिहार के ही है। अगर बिहार में अगर सबसे ज्यादा पेशेंट प्राइवेट में जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पूरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है, सब प्राइवेट में जा रहा है इलाज कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात? आपके क्षेत्र में ज्यादा जाता है कि नहीं प्राइवेट में? तो ये बताया जा रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर में बिहार ने सुधार की जगह गिरावट दर्ज की है, गिरावट दर्ज की है ऑल ओवर, ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर निचली पायदान पर है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। की इनपुट प्रोसेस इंडेक्स मानक में भी बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है रहा और पिछले वर्ष तुलना में 17.6 पॉइंट घटा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बिहार का टीकाकरण हो, महोदय रिपोर्ट देखिएगा तो आप हक्के बक्के हो जाएगा, चौंक जाइएगा। और हम हक्के बक्के इसलिए कह रहे हैं महोदय, चौंक इसलिए जाएंगे लोग, अभी मंगल पांडे जी कह रहे थे कि केंद्र का टीम आया 3 सदस्य वाला, बिहार का तारीफ किया है। अब सुनिए बिहार का तारीफ, जरा सुनिए। पता नहीं मंगल पांडे जी कौन, उनको भाषा समझ में आता है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। सुनिए, तो देख रहे होंगे कहीं से भी महोदय, अंग्रेजी में है, चाहेंगे तो हम अनुवाद कर सकते हैं। सुन लीजिए, तारीफ किया गया, तारीफ बिहार का तारीफ सुनना ना चाहिए और आपका सरकार का तारीफ हो रहा। सुनिए, मेंबर वेयर आघास्ट, हक्के बक्के हो गए जितने मेंबर थे भयावह स्थिति देख के। What they saw in Patna as they visited multiple hospitals, जब आए देखे बहुत सारा अस्पताल तो हक्के बक्के हो गए, including bodies of COVID-19 patients lying unattended on beds and in corridors. आए तो देखे भाई अस्पताल में लाश जो है बेड पे पड़ा है, बालकनी में पड़ा है, कॉरिडोर में पड़ा हुआ, हक्का बक्का हो गया भाई ये COVID-19 का पेशेंट है, महामारी जो चल रहा है कोई पूछने वाला नहीं। आगे सुनिए, विथ अटेंडेंस ऑफ पेशेंट यानी उसके जो रिश्तेदार थे मूविंग इन एंड अराउंड द COVID-19 वार्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो उनके परिजन थे वो अंदर बाहर घुस करके बेचैन थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। दूसरा सुनिए, द डॉक्टर्स महोदय, द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द COVID-19 पेशेंट। बिहार का डॉक्टर COVID-19 पेशेंट के पास नहीं जा रही, मेरा नहीं कहना है, ये जो टीम आई थी रिपोर्ट 3 सदस्य की टीम वो कह रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको पीपी किट उपलब्ध नहीं कराई, शर्मनाक। और ये अभी कह रहे थे सुशील मोदी COVID-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इतना हजार करोड़, तो पैसा जा कहां रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है, ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है। स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही है। बात सुनिए आगे, द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है, पूरा सिस्टम भी टूट गया, फट गया। द डॉक्टर्स फेयर दैट इफ दे गेट इन्फेक्टेड नो वन विल लुक आफ्टर देम, यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई पीपी किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा डॉक्टर का, इस वजह से नहीं। ये केंद्र का रिपोर्ट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट द बिहार गवर्नमेंट जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग COVID-19। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार COVID-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है।
अरे भाई अद्भुत है डबल इंजन का सरकार, उसी का सरकार, और कह रहा कि पैसे नहीं खर्च कर रहा। और हमको आश्चर्य है कि पैसा नहीं खर्च कर रहा तो आप लोग केंद्र के हैं, आप लोग क्यों नहीं करवा दे रहे हो भाई डरे? यानी आप इंतजार क्यों नहीं करेगा तो केंद्र सरकार सोई रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महोदय थोड़ा देखे हमेशा सहयोग करते रहे, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घंटा दो घंटा भी बड़े कंपनी अभी तो हम शुरुआत ही किए महोदय, अभी तो शुरुआत ही किए। दे आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली गेव 10,000 सच किट्स फॉर फ्री टू बिहार गवर्नमेंट, बट द रिक्वायर एटलीस्ट 4 लाख सच किट्स। यानी बिहार भारत सरकार ने 10,000 खाली किट दिया है, 10,000। बिहार की आबादी है 12-13 करोड़, और केंद्र सरकार दे रही है 10,000, वो भी राज्य सरकार नहीं खरीद रही, पैसा फ्री में दे रही है 10,000 किट। और राज्य सरकार कोई भी एंटीजन किट जो है लगभग 4 लाख की जरूरत है तो वो खरीद नहीं रही। हाउ कैन दे डू अ मास टेस्टिंग? हम लोग लगातार करेंगे, ट्रेस करना पड़ेगा बीमारी को, आंकड़ा जो है संख्या जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, ट्रेस कीजिए, चैन को तोड़ना है। और लॉकडाउन जो महोदय जो पीरियड होता है, लोग सोचते हैं कि कोरोना आएगा कोरोना चला जाएगा, लॉकडाउन ही उपाय है। ठीक है लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन एज अ पॉज बटन काम करता है, आपको समय देता है अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी तैयारी करने का। और हाफ ऑफ द प्रिपरेशन, हाफ ऑफ द प्रिपरेशन यानी आधी लड़ाई आप जीत गए। हमारी तैयारी अगर हो गई तो आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, समझिए। अगर प्रिपरेशन अगर पूरा हो गया है हमारा फुल प्रिपरेशन, तो आपका आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, ये समझिए महोदय। तो यहां कोई तैयारी नहीं किया गया, 4 महीने हो गए महोदय। 16 मार्च को हम लोगों ने पिछला सत्र जो है विधानसभा का वो बंद किया था। अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे, मास्क मत लगाइए, मास्क मत लगाइए, जो बेचारा बांट रहा था उसको भी डांट फटकार दी। इसीलिए कहते दूरदर्शिता की कभी हम लोग शुरू दिन से कह रहे मास्क बांटो, सैनिटाइज करो, लेकिन हमारा बतवे कोई नहीं मानता, हमने के बतवे कोई नहीं मानता, ऐसे चलेगा क्या? हम तो आपको सहयोग करना चाह रहे हैं भाई। आप कहें बंद करो तो बंद करो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हम बंद कर दिए। यानी आगे का रिपोर्ट महोदय सुनिए, इन सच डिफिकल्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन सच डिफिकल्ट टाइम फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4,000 डॉक्टर्स एंड 6,000 नर्सिंग स्टाफ आर शटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मंथ्स। इसका मतलब है कि कई महीनों से एक तो डॉक्टर की ऐसी कमी, हम तो बता दिए भाई 3200 शहर का है, 3200 पे एक डॉक्टर है, और 17,000 पे जो है ग्रामीण इलाकों पे डॉक्टर है, तो ऐसी कमी है। रिक्त पद है डॉक्टर का, नर्स का, डॉक्टर का 4,000 और नर्स का 6,000, वो खाली है। केंद्र सरकार कहती है नियुक्ति ही नहीं किया जा रहा, पद जो है भरा ही नहीं जा रहा, क्योंकि मंत्री से लेकर के सेक्रेटरी तक फाइल घूम रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे भैया कैसे लड़ेंगे हम कोरोना से, खाली भाषण से कि वर्चुअल रैली से? अब तो बीजेपी कार्यालय में भी लोग पाएंगे, अब तो राष्ट्र पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो उनके थे गृह मंत्री वो पाएंगे, भाई कर लो वर्चुअल रैली, वर्चुअल रैली कीजिए भाई कीजिए, अच्छा है, रिस्पॉन्स तो मिल ही गया होगा, 1 लोग 2 लोग 3 लोग, मतलब भी जान जाइए वर्चुअल रैली का क्या है। हम लोग वर्चुअल और डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के लोगों को मदद पहुंचाने का, मजदूर को मदद पहुंचाने का, बाढ़ के लोगों को मदद पहुंचाने का, तो ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। हमको वोट चाहिए, वोट दे दो, 15 साल 15 साल इस पे होगा काम। शर्म आता है महोदय, हम क्या क्या नहीं बोले। अब सारा डेटा अगर देखिएगा तो सर्च रेट जो है बिहार का 5 गुना बढ़ चुका है, 5 गुना बढ़ चुका है सर्ज रेट, बढ़ने का दर को सर्ज रेट कहते हैं महोदय, 5 गुना बढ़ गया। पॉजिटिविटी रेट जो है 12.80 है, 12.80%, सबसे ज्यादा देश में आपका पॉजिटिविटी रेट है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बिहार में, सबसे कम टेस्ट होने के बावजूद। और आप देखिए नंबर ऑफ डेथ्स 225 है। आप जुलाई का हम खाली बोल रहे हैं, जुलाई का इंक्रीज इन फेटालिटी रेट जो है 4 गुना बढ़ गया, डिक्लाइन इन रिकवरी रेट यानी 11.50 है वो आपका डिक्लाइन हो गया रिकवरी रेट। हम तो कह रहे संख्या जैसे बढ़ाओगे वैसे आपका रिकवरी रेट जो कम होगा। अब हमको एक चीज बताइए, बिहार सरकार बोलती है बिहार का लोग रिकवर कर रहा है, बहुत बड़ा
उपलब्धि हो गया, बोलती है ना। अभी यहाँ आंकड़ा कह रहे हैं, यानी टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई तो पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया, मृत्यु दर भी जो है वो इंक्रीज हो गया और रिकवरी रेट में भी डिक्लाइन आया। ये तो हम तो बोल रहे हैं छुट्टी से, जिस दिन 1 लाख कराओ पता चल जाएगा। दिक्कत क्या है महोदय कि ये लोग जो डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब देखिएगा स्वास्थ्य मंत्री जी आए, इनका स्वागत है, बड़े भाई हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे इनको। ठीक, धन्यवाद महोदय। मंगल पांडे जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे। हम पूछना चाहते हैं कि भाई सुशील मोदी जी तो भाग गए। सुशील मोदी जी कहते हैं कि ट्वीट करते हैं, ये कौन से तारीख को ट्वीट करते हैं? 7/7/2020 6:25। दूसरी तरफ रोजाना 9,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। यानी सुशील मोदी कह रहे कि 9,000 सैंपल लिए जा रहे हैं महोदय। और आप देखिएगा जो आंकड़ा जो सामने आया है महोदय, हम आपको बता दें 7 जुलाई को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि 9,000 से ज्यादा जांच हो रही है, जबकि उसी दिन बिहार सरकार के अधिकारी प्रेस रिलीज जारी करके कहते हैं कि 5,168 जांच होने की पुष्टि की गई थी। अरे भैया किसका आंकड़ा माने? स्वास्थ्य विभाग का माने, डिप्टी सीएम का माने कि केंद्र सरकार का माने? इसका आंकड़ा हम लोग मानेंगे भाई? आप देखिएगा आंकड़ा का एक एग्जाम्पल देंगे, आंकड़ों की हेरा फेरी कैसा हुआ है। दिनांक 31/7/2020 की जारी कि कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 50,987 है। दिनांक 1/8/2020 की जारी की कोविड बुलेटिन में कुल एक्टिव कॉजेस केसेस जो है उसकी संख्या 54,508 है। यानी 31 तारीख को जो रिपोर्ट जो जारी किया गया उसमें 50,987 और 1 तारीख को जो किया गया 54,508। यानी मतलब 24 घंटे में नए मरीज की संख्या 3,321 की आई, लेकिन इसको बताया गया 2,502। मेरे एमएलए एमएलसी जो जांच करा रहे 20 दिन से रिपोर्ट ही नहीं आ रहा, ऐबे ने किया। और अद्भुत तो तब लगता है, मान लीजिए मंगल पांडे जी अपना टेस्ट नहीं कराया, अब तक उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, कई बिहार में कई जिलों में हुआ। जिसने अपना टेस्ट नहीं कराया उसका रिपोर्ट कैसे आ सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव? मेरा रिपोर्ट कहां नेता प्रतिपक्ष को मिला जरा बताएं। आपका नहीं बोल रहे, जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा। आपने अभी बोला कि मंगल पांडे का रिपोर्ट आया, एग्जांपल उदाहरण। हेल्थ मिनिस्टर जवाब दीजिएगा बाद में। नहीं, आपने अभी गलत उदाहरण दिया। तेजस्वी ने गलत उदाहरण था, मैंने टेस्ट नहीं कराया। एक मिनट सुनिए ना, तेजस्वी यादव ने टेस्ट नहीं कराया लेकिन उसका रिपोर्ट आ गया, कैसे आ गया? अरे ये बात नहीं समझ रहे आप, हम किसको समझाएं, किसको सुझाव दें? ये बात इतनी मामूली बात यहां बैठे बैठे नहीं समझ में आई, सब लोगों को समझ में आ गया। इनको नहीं समझ में आया, टिकटॉक देखेंगे तो यही ना होगा, इसको और पूछेंगे तो यही ना होगा टिकटॉक वीडियो। तो महोदय 1 जुलाई 2020 को 13वां स्थान था कोरोना टेबल में, और वही 1 जुलाई को 13वां स्थान था और 1 अगस्त को 7वां स्थान हो गया। जिस प्रकार का संक्रमण फैला, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा, इस महीने की आखिरी तक बिहार जो है टॉप 3 तक पहुंच जाएगा। महोदय हम तो कह रहे हैं बिहार जो है स्थिति एकदम भयावह बनी हुई है। और नहीं महोदय अभी तो बाढ़ पे बोले ही नहीं, अरे अभी दो चार आंकड़े। आपका समय महोदय 40 मिनट हो गया, अभी आखिरी सत्र है महोदय। ठीक है, आप जल्दी आखिरी सत्र, आप नेता प्रतिपक्ष और आप कार्यकाल का आखिरी सत्र। आप तो महोदय सुनिए, नेता प्रतिपक्ष आप तो शुरू से आसन सहयोग करते हैं, 5-7 मिनट में आप तो समय क्यों घटाया जाए? आप तो जिसको होना होगा कोरोना हो ही जाएगा, बता दीजिए 1-2 घंटा जिसमें बिहार का भला तो हो जाए, उद्धार तो हो जाए।
अब तो जिसको होना होगा अंदर बाहर कर लिए, जिसको होगा होगा, अब जाएगा लोग जांच होगा तो जांच में क्या जांच कर रहे हैं लोग, जांच में लोग जांच कर रहे हैं एंटीजन वाला, एंटीजन का जो एक्यूरेसी है वो ऑथेंटिक नहीं है, किसका है आरटीपीसीआर का। ये लोग जो है आज बड़ा गर्व से कहेंगे 30,000 35,000 वो टेस्ट का क्या मतलब है जब उसका रिपोर्टें जो है ऑथेंटिक नहीं आता है। आप आरटीपीसीआर कितना करा रहे हैं बताओ, और केंद्र टीम की भी तो सलाह थी कि आरटीपीसीआर जो है वो होना चाहिए। ये देखिए लव अग्रवाल जी का सुझाव, आपको तारीफ नजर आ रहा था कि क्या क्या कहे हैं, वो हम अनुवाद कर दिए हैं, बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, काम आएगा काम आएगा। तो हम ज्यादा महोदय स्थिति जो है बद से भयावह कह दी, पहला बिहार राज्य है महोदय कि जहां तीसरा प्रधान सचिव मिला है, तीसरा प्रधान सचिव मिला, कोई राज है क्या जहां प्रधान सचिव भी शायद बदला गया हो, मतलब चेहरे पे धूल है और आईना बदलते जा रहे हैं। हाँ यही बात हो गई, बताइए ये स्थिति बनी हुई है महोदय। और हम तो ज्यादा कुछ टेस्टिंग वगैरह के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे इतना जरूर हम चाहेंगे महोदय, सबसे छोटे सदस्य है पूरे हाउस में, सबसे महोदय सबसे छोटे सदस्य हैं, और लगातार जो है हम लोगों के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, और हम तो भाग्यशाली है कि सुशील मोदी जी जैसे अनुभवी नेता जो है, हमसे बुजुर्ग जो है, वो डायरेक्ट हम पे कटाक्ष करते हैं, हम तो भाग्यशाली है ना, हम तो भाग्यशाली है महोदय कि वो कटाक्ष करते हैं। और लेकिन आचरण थोड़ा देखना चाहिए कुछ लोगों को, कुछ लोग तो डायरेक्ट कहते हैं लेकिन कुछ लोग जो है कहलवा देते हैं, लेकिन सबसे छोटे हम हैं, हम तो सब लोगों का सबके प्रति सम्मान है सब लोगों का, लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग क्या बोलेंगे जब 15 साल कुछ उपलब्धि नहीं रहा, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई सकारात्मक काम ही नहीं किया हो, तो ये लोग हम पे ही ना कटाक्ष करेंगे। हम तो क्रिटिसिज्म से भागते नहीं, हम तो अपनाते हैं, लेकिन हाँ जनता के हित में हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ये हम चाहते हैं महोदय। अब देखिएगा वो लोग जो है भूत का बात करता है, पास्ट का बात करता है, हम भविष्य की बात करना चाहते हैं, हम फ्यूचर की बात करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को इतिहास के बासी पन्ने जो है उनको मुबारक, इतिहास के बासी पन्ने मुबारक। ज्यादा कुछ नहीं, अथल पुथल उल्टा फुलटा जो है लोग बोलते रहे महोदय, लेकिन अब हम लोगों को मिलकर के समय आ गया है कि सकारात्मक राजनीति करें, विकास के प्रति हम लोग सोचें, गुड एजुकेशन सिस्टम बनाएं अपना, बेहतर अस्पताल बनाएं, ये होना चाहिए महोदय। भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हो, और हमारी कोई चाह भी नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हम नेता प्रतिपक्ष भी हो लिए, डिप्टी सीएम भी हो गए, और डिप्टी सीएम तो हमारे मुख्यमंत्री जी के कृपा से अपोजिशन लीडर भी हो गए, यानी ये जो 5 साल का जो कार्यकाल जो हुआ, हमको जो अनुभव है वो लगभग 20 साल का हो गया, जहां सीबीआई केस हुआ, ईडी केस हुआ, आईटी केस हुआ, डिप्टी सीएम बने, विपक्ष के नेता बने, और कई ऐसे जो यहाँ सदस्य बैठे हैं उनसे भी हमको सीखने का मौका मिला। तो हम सब लोगों को धन्यवाद भी देंगे महोदय। चलिए नहीं अभी महोदय थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए, कांग्रेस के और माले के लोगों ने भी समय दिया, आपको लिख के दिए, थोड़ा 5-5 मिनट उन लोगों से मिल जाए तो 10 मिनट हो जाएगा महोदय, खत्म हो रहा है। लेकिन महोदय हमारी नीति और सिद्धांत में थोड़ा इन लोगों से अंतर है महोदय, हम टिकाऊ है लड़ाकू है, और ये लोग बिकाऊ हैं और डरपोक हैं। महोदय अब क्या क्या नहीं हम बोले, लेकिन 15 साल में 57 घोटाले हुए, एनसीआरबी में जो है बिहार का अपराध का आंकड़ा जो है 15 सालों में बढ़ता जा रहा, 4.5 गुना जो है अपराध बढ़ गया 2005 से। एनसीआरबी मेरे अंदर तो नहीं है, 57 घोटाले होंगे, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं, किसी पे कुछ नहीं होता है महोदय। और हम तो लगातार ये कहते हैं कि भाई सुशांत सिंह का सीबीआई जांच हो, तो रामाशय कुशवाहा का भी सीबीआई जांच हो, जो मर्डर हुआ था रामाशय कुशवाहा मर्डर जो गोपालगंज में हुआ था, उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए।
हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाए कुछ लोग, ये भी होना चाहिए महोदय। अब महोदय ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाढ़ को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो लगभग 14 से 15 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित हैं, 113 प्रखंड, 1060 पंचायत, लगभग 54 लाख आबादी इससे प्रभावित है बाढ़ से, जो घर बार डूब गया कुछ नहीं है, सब लोग जो रोड पे आकर के रहते हैं। हम जा सकते हैं, पीड़ितों से मिल सकते हैं। अभी हम मधुबनी गए, दरभंगा गए, चंपारण गए, तिरहुत का गए, गोपालगंज की स्थिति आप देख लीजिए, छपरा प्रमंडल देख लीजिए, भयावह स्थिति बनी हुई है महोदय। लेकिन अभी तक जो है मुख्यमंत्री हमारे कहने के बाद जो एक हेलीकॉप्टर जाता है, अच्छा मुख्यमंत्री जी को डर है कोरोना का, तो भाई हेलीकॉप्टर वा तो है ना, पायलट है वही बैठ के चल जाते। अब तटबंध है वो टूट रहा है, चंपारण का हो, सारण का हो, पुल पुलिया टूट रहा है, अप्रोच रूट टूट रहा है, लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, और 54 लाख प्रभावित हुआ है आबादी महोदय। मात्र राहत शिविर 19 लगाया गया है और 1385 कम्युनिटी किचन, यानी आप इंतजाम कर सकते हैं केवल 29,000 लोगों का।